रिसेंटली हम लोगों ने दिवाली की पिक दिए थे, 4 से 5 स्टोर दिए थे। उसमें काफी लोगों ने बोला कि सर आपने इस बार चार्ट उनके नहीं भेजे, एंड एंड उसमें आपने कोई चार्ट नहीं भेजा एंड कोई लेवल्स नहीं भेजे। तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर देता हूँ कि वो किस बेसिस पर हम लोगों ने मतलब लिया है स्टॉक्स, वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि टाटा मोटर डीवीआर मैंने सजेस्ट किया था, तो टाटा मोटर डीवीआर में अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर डीवीआर का जो अभी रिसेंटली हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, रिसेंटली इसने एक हायर लो बनाया है, राइट, एंड प्राइस 20 मूविंग एवरेज को मंथली में रिस्पेक्ट करके चल रहा है। ओके, ये तो हमारा मंथली के बेसिस पर हो गया, एंड स्टॉक एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा था 200 से 205 के जोन में। वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं करता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में, जैसे मंथली को सपोर्ट ले रहा था तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैंडल स्टिक में एक बेस बना रहा है, राइट, मतलब बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है। एंड डेली में भी अगर मैं करूँ तो एक बेस बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज करना इसने शुरू कर दिया था। तो जब भी हायर टाइम फ्रेम में अगर कोई सपोर्ट पे स्टॉक खड़ा है एंड लोअर टाइम फ्रेम को एक अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, तो अपन उस स्टॉक को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। एंड दूसरा था कि अगर हम देखें आज के डेट में ऑटो के अंदर, तो सबसे अच्छा जो सेल्स जो ग्रोथ है वो टाटा के स्टॉक्स में ही है। एंड कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पहले अगर आप देखें आज से 2-3 साल पहले तो टाटा की गाड़ियां बहुत कम दिखती थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा दिख रही हैं आपको। एंड आज की ईवी की सेल में 4 से 5 सेल में 3 सेल तो आपकी टाटा की ही है, तो ये एक रीजन था। एंड टाटा ग्रुप भी काफी अच्छा है, अभी तक ज्यादा रिटर्न इसने नहीं दिया है, बट मुझे आगे उम्मीद है कि इसमें से एक अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो टाटा मोटर डीवीआर मैंने इसलिए दिया था। दूसरा हमने दिया था दावत। दावत के पीछे भी रीजन बहुत ही सिंपल है। दावत के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, जैन 2008 का ब्रेकआउट अभी रिसेंटली आया है, एंड ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट किया है, बट वी आर वेटिंग कि ये 110-115 का लेवल आया था, हम इसमें और एक्यूमुलेशन करेंगे एंड ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के अपन काम कर सकते हैं। तो इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, प्लस एक कंजप्शन स्टोरी है, तो वो भी आगे लॉन्ग टर्म में प्ले कर सकती है, जो कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की अपन बात करते हैं, क्योंकि खाना पीना कोई बंद नहीं कर सकता है, राइट। एंड ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और इनके काफी सारे ब्रांड भी हैं, इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनर से पढ़ सकते हैं। स्क्रीनर से अगर आप देखें तो इसके बारे में आपको सारा पता चलेगा, कंपनी कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या काम है, मतलब क्या मतलब प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ इसका एक्सपोर्ट है, ठीक है, ब्रांड कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें, राइट, आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। एंड उसके बाद आप नंबर्स देख सकते हैं, सेल्स फिगर देख सकते हैं, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं एंड उसके बेसिस पर हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं। ओके, सो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने एक स्टॉक और लिया था, वो था हमारा बोरो लिमिटेड, ये भी एक कंजम्पशन स्टोरी है। एंड जैसे कि अगर आप चार्ट देखें तो कंटिन्यू इसमें आपको हायर आई दिखेगा, एंड ऐसे खराब मार्केट में जब तो स्टॉक्स बहुत सारे करेक्शन फेज में चल रहे हैं उसमें भी इसमें आपको स्ट्रेंथ दिख रही होगी। एंड हमने इसको ऑलरेडी पहले भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, राइट, नीचे आता है तो हम लोग और भी एलोकेशन कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर हमने इस वजह से किया था क्योंकि इसमें एक ब्रेकआउट है एंड कंटिन्यू प्राइस इसका जो वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ज्यादा चार्ट डेटा नहीं है तो मंथली नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मंथली 20 को ये कंटिन्यू रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, वीकली में कंटिन्यू हमारा हायर आई बन रहा है। तो एक ये भी स्टॉक्स था जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अपवर्ड ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें काफी अच्छा अप मूव भी यहाँ से दिख रहा है, सो 500 के ऊपर इसमें एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्यादातर 52 हाई ब्रेकआउट एंड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स को देखते हैं, एंड जहाँ की मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है इतने टाइम में, एंड इन स्टॉकों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर आप निफ्टी की बात करें तो लास्ट 5 to 6 मंथ में कोई मेजर रिटर्न नहीं है, राइट, उसी के आसपास चल रहा है, लास्ट 12 ईयर में भी नहीं है, लेकिन बोरो लिमिटेड में अगर हम देखें तो लास्ट 5 to 6 मंथ में अच्छा खासा मूव है, तो स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं ये स्टॉक। तो ये एक रीजन था हमारा इसमें इस स्टॉक्स को भी कवर करने का, राइट, क्योंकि कंपेयर जरूर कीजिए आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स से, राइट,
राइट, प्लस आप इंडेक्स से, राइट, प्लस ग्रोथ भी देखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम बस आंख बंद करके ही चीजें को खरीदते हैं। डेब्ट फ्री कंपनी है, राइट, एंड अल्टीमेटली प्रमोटर के पास होल्डिंग भी काफी अच्छी है। एंड अगर हम बात करें सेल्स की, तो अभी जैसे कि कोविड के बाद सेल्स आपको पता ही है कि कम हुए थे, बट अगर हम बात करें 2019 से लेकर अभी तक, तो कंटिन्यू सेल्स बढ़ ही रहा है। ओपीएम को इसने मेंटेन किया हुआ है, प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, राइट। तो यही सारे रीजंस हैं कि जो हम लोग इन स्टॉकों को पे फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली नंबर्स अच्छे होने चाहिए, ग्रोथ वाला होना चाहिए। जैसे सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो ये सारी चीजें ना हमारे लिए काफी फेवरेबल होता है। प्रमोटर की देखिए होल्डिंग भी काफी अच्छी है। पब्लिक में ऐसा नहीं है कि 27% पब्लिक के पास है तो सारा पब्लिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऐसे भी बहुत सारे नाम होते हैं जिनके पास 0.5% स्टेक होता है, उनके भी नाम होते हैं। 0.5% स्टेक होना भी बहुत बड़ी बात है 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ की कंपनी में। तो ये सब कुछ भी देखना अपने को जरूरी है, एंड कंपनी क्या काम कर रही है इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, आगे क्या इनके प्लानिंग्स है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, राइट। तो एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, चार्ट भी बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हमने दावत की बात कर ली, एंड बोरो लिमिटेड की बात कर ली, एंड टाटा मोटर डीवीआर की बात कर ली, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, एक स्टॉक और था हमारा, सॉरी दो स्टॉक और हमारे बच गए हैं। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन में हमने जो दो स्टॉक और दिए थे, हम वापस होंगे, मैं थोड़ा सा क्लोज पे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। हाँ, एस्टान है, मेरे को लग रहा था कि एस्टान ही होगा, बट थोड़ा सा माइंड में हो रहा था, कोई बात नहीं। तो एस्टान भी अगर आप देखेंगे, तो एस्टान में अगर हम बात करें फ्रेश जिगजैग की, तो इसमें ऑलरेडी हायर है, मंथली में बन चुका है, उसको इसने रिटेस्ट नहीं किया है, इंडेक्स में स्ट्रेंथ है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली में भी हमारा एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मंथली के अकॉर्डिंग कपन हैंडल का है, इसको रिटेस्ट नहीं किया है। ऑलरेडी हम लोग इसको यहाँ से एंट्री कर चुके हैं, 100 रुपीज से ऑलरेडी हमने इसमें एंट्री किया हुआ है, एंड अभी फ्रेश ब्रेकआउट है तो वी आर प्लानिंग टू ऐड मोर। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें बहुत ऊपर तक ग्रोथ दिख रही है। इसमें एक और रीजन है, वो है एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, प्लस इसके नंबर्स पहले से इम्प्रूव हो रहे हैं, वो भी एक इसका रीजन था, राइट। इसके नंबर भी पहले से इम्प्रूव हो रहे हैं, डेप्ट भी धीरे धीरे इन्होंने कम किया है, राइट। कंपनी डेप्ट अपना रिड्यूस कर रही है, राइट, एंड गुड क्वार्टरली रिजल्ट भी दे रही है, राइट। तो धीरे धीरे जब कंपनी अच्छा काम करने लगती है, जैसे अगर आप देखें तो कंटिन्यू लॉस कर रही थी, राइट, कंटिन्यू लॉस कर रही थी, अब धीरे धीरे प्रॉफिट भी करना शुरू कर दिया है। सॉरी, ये तो क्वार्टरली है, ईयरली ईयरली देखना है। तो कंटिन्यू कंपनी अब क्या है कि बीच में लॉस किया इसने, एंड जब आप देखेंगे जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो बहुत हायर लेवल पे हुई थी, बट ग्रोथ खत्म होने की वजह से वो आपको रिटर्न नहीं दिख रहा था। बट अगेन कंपनी धीरे धीरे अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस कर रही है और रिटर्न लाके दिखा रही है। तो ये जो चेंजेस हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर काफी लोगों ने बोला था कि सर इसके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, बट इम्प्रूवमेंट मतलब बुरे से अच्छे की तरफ ये जा रहा है, राइट। और इसमें जो ट्रिगर था वो था एनएपी का, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा तो उससे इसमें ग्रोथ भी आएगी, तो वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट था। बाकी देखिए रेशियोज देखेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट पब्लिक के पास भी काफी ज्यादा माल इसमें पड़ा हुआ है, राइट। तो ओवरऑल ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आ रहा है इसके अंदर, इसलिए हमने फोकस किया है इसके अंदर, चार्ट में भी इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे रीजंस थे हमें इसको देखने का, क्योंकि देखिए एक तो नंबर्स कंटिन्यू अच्छे हैं, और एक नंबर्स अच्छे होने वाले हैं, कोई ट्रिगर आने वाला है, वो रीजंस भी होते हैं। तो जब हमें कोई भी कंफ्यूजन होता है, बट मतलब फ्यूचर अच्छा लग रहा है, डेवलप फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है कुछ पॉलिसी जाने की वजह से, तो इसकी वजह से स्टॉक अच्छा लगा, चार्ट पे ब्रेकआउट आया, हमने एंट्री किया, अब नंबर्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, तभी आपको स्टॉक्स लोअर लेवल पे मिलते हैं। तो हम लोग इस तरीके से भी फोकस करते हैं, जहां पर काफी टाइम के बाद नंबर्स में चेंज आ रहा है, रेशियोज धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक अगर लोअर लेवल पे मिलेगा तो इसका मतलब उसके नंबर्स अच्छे नहीं है इस वजह से, और आगे ग्रोथ अपने को दिख रही है, तो इस वजह से अपने को उधर की तरफ फोकस करना चाहिए, राइट। एंड एक और स्टॉक है आपका इंडियन बैंक, राइट।
तो इंडियन बैंक पे मेरा फोकस इसलिए गया है क्योंकि SBI तो बहुत बड़ा बैंक हो गया, मतलब PSU में बहुत बड़ा लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं PSU बैंक्स के अंदर, तो इंडियन बैंक का स्टॉक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट के ऊपर। इंडियन बैंक है कैनरा बैंक का, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों से कैनरा बैंक का चार्ट शेयर किया हुआ है। कैनरा बैंक की हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। कैनरा बैंक में अगर आप देखेंगे तो एक फ्रेश स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एंड इंडियन बैंक में बहुत अच्छा एंड लोअर लेवल से बहुत अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है। 41 का स्टॉक 250 हो चुका है, एंड अपसाइड बहुत ज्यादा ओपन है। ADX में स्ट्रेंथ है राइट, एंड एक बहुत ही प्यारा कप एंडल का ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये भी मेरे को अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने 24th को इसको आप लोगों को सजेस्ट किया था। एंड मेरे पास बस ट्रैकिंग क्वांटिटी है, बट आई एम प्लानिंग टू ऐड मोर अगर ये रिटेस्ट करने आता है तो। तो कप एंड हैंडल का इसके अंदर फॉर्मेशन बन रहा है बहुत ही प्यारा अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ रहा है, कल कल मैंने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पर मंथली क्लोजिंग है, तो नीचे डीप आएगा, तो वी आर प्लानिंग टू ऐड मोर। सो ये सारे रीजंस थे, चार्ट है इसके अंदर, चार्ट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैं टेक्निकल पर ज्यादा फोकस करता हूँ, फिर कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग पे, और नंबर्स में देख लेता हूँ कि इम्प्रूवमेंट नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि सर स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट मतलब रिजल्ट अच्छा आया फिर भी स्टॉक गिर गया, बट उसके कुछ के अंदर कुछ ना कुछ एक ट्रिगर जरूर होता है कि उनका मार्जिन कम हो गया या कमेंट्री कंपनी के अच्छे नहीं आई, तो इस वजह से स्टॉक ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करते हैं। अगर मैं जैसे बात करूँ दावत की एक एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को, तो दावत बीच में बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया था राइट। तो आप कंसिस्टेंस बेसिस पे देखें तो देखिए, आज से अगर हम बात करें 10 साल पहले की, तो 1200 करोड़ का सेल था, 1300 करोड़ का। आज के डेट में सेल कितना है? 5000 करोड़ का, ठीक है। अब OPM भी इसका कंटिन्यू प्रॉपर आ रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन जब हमें ये दिखने लगता है कि यार ग्रोथ नहीं आने वाली है या ग्रोथ आगे कम कम चांसेस है ग्रोथ आने के, तो उस केस में क्या होता है कि स्टॉक्स क्या होता है, डीरेट होता है उसको। जैसे कि मार्केट का ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसको लोग अच्छा पी देते हैं राइट। फेवरेबल मार्केट है तो अच्छा पी भी देते हैं, अनफेवरेबल है तो उसको पी कम देते हैं। जैसे कि IPO में अगर हम बात करें तो IPO के अंदर जब भी कोई IPO आ रहा होता है तो उनका GMP, मार्केट अच्छा होता है तो GMP बहुत बढ़िया होता है, मार्केट 2 दिन गिर जाए तो उनका GMP टूट जाता है। तो वो सब सप्लाई जो उनका वो है, और हमारे एक सोच का बहुत बड़ा उसके अंदर मतलब एक मतलब प्ले हो जाता है, जिसको हम साइकोलॉजिकली मतलब ये बोलते हैं कि साइकोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। अब जैसे कि दावत में मल्टी ब्रेकआउट भी है हमारे पास, एंड हमारे पास मल्टी ब्रेकआउट होने के साथ साथ आपका मतलब नंबर्स में भी धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर आप देखें तो हाईएस्ट TTM में देखें तो हाईएस्ट सेल्स है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट के पास खड़ा है। तो कोई भी तरीके का एक डीप मिलता है अपने को तो वो हमारे लिए काफी फेवरेबल हो रहेगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब अल्टीमेटली इस सेक्टर में ग्रोथ रहेगा कि नहीं रहेगा वो समझने की कोशिश कीजिए। जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर में ग्रोथ आगे मिलेगा क्योंकि तो कंज्यूम करने वाली चीज है ये, ऐसा नहीं कि कंज्यूम नहीं करने वाली है। तो चार्ट में जो है काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर चार्ट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया नंबर में, बट फिर भी स्टॉक नीचे आ गया। तो मैं एक क्वेश्चन और करूंगा कि ये जो स्टॉक 15 रुपए का आपका 100 रुपए हो गया, उस ड्यूरेशन में भी नंबर्स में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं था, कंटिन्यूअसली था, बट हमें ग्रोथ दिख रहा था यार आगे ग्रोथ आ सकती है। तो जो ग्रोथ दिख रहा होता है, जो न्यूज आ रही होती है, जो पॉलिसी आ रही होती है, उसकी वजह से स्टॉक इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो टेक्निकल हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि वो हमें सपोर्ट कर देता है कि हाँ यार ये स्टॉक को यहाँ पर उठा सकते हैं, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ आगे फ्यूचर में, तो टेक्निकल आपको ये सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो भी हमने मोरो ट्रेडिंग के दिन स्टॉक्स लिए थे उस पर भी हमने आपको पूरा का पूरा किस वजह से लिया था वो हमने आपको शेयर कर दिया है, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक्स पे व्यू शेयर करना पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है आप लोगों से शेयर करने का राइट। सो होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, एंड सीखने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी व्यू एंड जो भी हमारा लेवल्स है सब एजुकेशनल पर्पज है।